सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 गिनती। गिनती किसे नहीं आती, हम सब गिनती बचपन में ही जान जाते हैं, बचपन से ही गिनती सीख जाते हैं। लेकिन हिंदी की गिनती सभी नहीं सीखते। हिंदी की गिनती से वो क्या करते हैं कि अंग्रेजी की गिनती सीख लेते हैं और हिंदी की गिनती सीखना भूल जाते हैं, जबकि हमें हिंदी की गिनती आना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी की गिनती नहीं आती। तो वैसे लोगों से अगर हमारी बातचीत हो, अगर हमें कुछ लेन देन हो, लेना देना हो, तो वो हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे और हम उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे, जिससे गड़बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी वाला हिंदी में कहता है, मान लीजिए कि 45 रुपए दीजिए, और हमको 45 का मतलब नहीं पता है कि अंग्रेजी में 45 किसको कहेंगे, अगर हमको नहीं पता है तो क्या होगा, हम ठगे जाएंगे या फिर उसके सामने बुद्धू बनेंगे। इसलिए हमें हिंदी की गिनती भी जानना आवश्यक है। चलिए अब हम हिंदी की गिनती जानते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच कैसे लिखते हैं इनको आप देखिए, छः, सात, आठ, नौ, दस, इन्हें अच्छी तरह से देखिए कि ये कैसे कैसे लिखे गए हैं। अगर एक से दस आप लिखना जान जाते हैं, उसे पहचान जाते हैं, तो आगे की जो एक सौ तक की गिनती है, 11 से लेकर के 100 तक की जो गिनती है, वो सब आप जान जाएंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में हिंदी अंकों को और शब्दों को की जो गिनती दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे।